तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। गिव इट टू मी लाइक हाथों पे, लाइक हमारे जो हाथ होते हैं ना, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। अगर हमारे पास ये हाथ ही ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी से हम खाते हैं, इसी से हम पकाते हैं, इसी से हम नहाते हैं, तो हम इनका ही ख्याल नहीं रख रहे होते। तो मुझे बहुत सारी लड़कियां कमेंट करी थी, आपकी हैंड्स मेरे बहुत हार्ड हैं, बहुत रफ हैं, आपके हैंड बहुत ब्लैक हैं। मैंने सोचा इस पे तो वीडियो बनती है, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपको सिर्फ 15 मिनट देने हैं अपने हाथों पे, और आपके हाथ सॉफ्ट, जिनके हाथ रफ है उनके सॉफ्ट हो जाएंगे, जिनके ब्लैक हैं उनके वाइट हो जाएंगे, और आपके फेस के साथ आपके हैंड मैच करना शुरू कर देंगे। तो जी मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। शादी से पहले जो मेरे हैंड थे ना, लाइक वो फेस से ज़्यादा वाइट थे। मतलब पूरे घर में मेरे, मतलब पूरे घर में मेरी आपी, मेरी मामा, मैं, सबसे ज़्यादा वाइट हैंड मेरे थे, क्योंकि मुझे जो मिलनी ना क्रीम मैंने अपने हाथों पर लगा लेनी, मुंह को, गर्दन को, बाजू को भूल ही जाती थी मैं, जो मिलनी मैंने हाथों पर लगा। तो मेरे जो इतने हैंड थे ना वो बहुत ज़्यादा वाइट थे। खैर अब तो मेरी पूरी बॉडी का कलर सेम हो गया है, क्योंकि मैं अब जो भी चीज़ लगाती हूँ पूरे फेस पे, हैंड पे, बाजू पे, मेरे लेग्स पे भी लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट से। जिनको जी शॉर्टकट चाहिए, और जिनको जो थोड़ी, मतलब जिनके पास टाइम नहीं है और उनको उनके हाथ भी प्यारे चाहिए, सो जी ये है हैंड एंड नेल ग्लो मास्क। ये आपको किसी भी स्टोर से कहीं से भी मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं आपने ये वाला लेना, लेकिन सिर्फ आपने हैंड मास्क लेना है। इसकी पिक्चर भी मैं साथ अटैच कर दूंगी। तो ये जो मास्क होता है इसको आपने कुछ भी नहीं करना, आपने अपने हैंड वॉश करने अच्छे से। अभी मैंने नमाज पढ़ी है तो मेरी हैंड बिल्कुल साफ है। इसको, इस पे ग्लव्स होते हैं, वो आपने दोनों हाथों में पहनने हैं, और उसके साथ टेप होती है वो लगाओ, 15 मिनट छोड़ना है, तो उसके बाद दैट्स इट। 15 मिनट के बाद आपके जो हाथ होंगे ना, कमाल हो जाएंगे। ये हो गया शॉर्टकट। अब मुझे सब लड़कियां कहेंगी तो हम क्या करें, हमारी मामा ने तो हमें ला के नहीं देना, हम तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमें तो प्यारे हैंड चाहिए लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जी ये जो ग्लव्स होते हैं मेरे पास फिलहाल, ये ग्लव्स हैं आपके घर जो आपकी मामा हेयर कलर करती हैं, अवेलेबल हूँ, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपकी मामा हेयर कलर करती हैं, या फिर आप लोगों के घर में भी इस तरह के बर्तन धोने वाले ग्लव्स हैं। क्या ये मेरे बर्तन धोने वाले ग्लव्स हैं, तो मैं अपने हाथों की केयर इस तरह करती हूँ। इवन आई डोंट हैव नेल्स, बिकॉज मेरी छोटी सी बेबी है तो मैं नेल्स नहीं रखती। लेकिन शादी से पहले मेरे उल्टे हाथ के बहुत लंबे नेल्स होते थे, वो इतने लंबे नेल्स होते थे कि मैंने अपनी शादी वाले दिन सीधे हाथ पे नेल लगाए, तो वो छोटे थे, मतलब आर्टिफिशियल लगाया, और ये वाले मेरे उल्टे हाथ के बड़े थे। खैर मेरे नेल इसलिए बड़े थे क्योंकि मैं काम नहीं करती थी, लेकिन फिर भी हाथों का ख्याल तो फिर भी रखना पड़ता है, बिकॉज हमारे घर में काम वाली थी, तो यहाँ पे काम वाली रख सकते हैं, बट इट्स सो एक्सपेंसिव, सो बंदा इससे अच्छा खुद कर ले, क्योंकि उसने हफ्ते में एक दफ़ा आना है और इतनी महंगी भी होगी। सबसे बड़ी बात, आप लोग जो बर्तन धोते हैं ग्लव्स पहन के बर्तन धोया करें, ये कोई शशका नहीं है, ये अपने हाथों की केयर है। क्योंकि जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है ना, वो बहुत जल्दी हाथों को रफ कर देता है, बहुत तेज साबुन होता है, उसमें केमिकल्स बहुत होते हैं। जिन लड़कियों के हाथ बहुत सॉफ्ट हैं, लाइक अब मेरे हाथ उस तरह के सेंसिटिव नहीं रहे जैसे कि शादी से पहले थे। शादी से पहले तो मैंने कभी कभार एक दो बर्तन होने मैंने धो लेने, अब मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। जब मैं शादी से पहले बर्तन कभी धोने ना, तो मेरे ये फिंगर्स के अंदर वाली साइड में ना पिम्पल्स बन जाते थे, बिकॉज ऑफ वो जो सोप था, वो जो बर्तन धोने वाला सोप होता है वो बहुत तेज़ होता है। तो मेरे बाबा ने मुझे इतने मोटे से, मेरे बाबा ने मुझे इतने मोटे से ग्लव्स ला दिए कि बेटा अगर आपने बर्तन धोने भी, इवन तो आप ना धोया करो, अगर आपने बर्तन धोने हैं तो ये पहन के धोया करें। तो मैं वो पहन के धोती थी। जैसे मैं US में भी आई, मैं अपने ग्लव्स हर जगह रखती हूँ। और आप लोग भी मतलब अगर बर्तन धोने होते हैं तो इस तरह के कोई मोटे ग्लव्स ले, एक ही दफ़ा ले ही ख़राब नहीं होते, तो ये पहन के फिर बर्तन धोया करें। और ये हो गया शॉर्टकट। अब हम चलते हैं रेमेडी की तरफ। तो उसके लिए आपको चाहिए एक लेमन और चाहिए एलोवेरा जेल, दैट्स इट। आपके घर में छोटा लेमन होगा, आपने उसको पूरा निचोड़ लेना। अगर थोड़ा सा रस निकल रहा है तो आप दो ले लें, लाइक हमें 2 टेबलस्पून भर के लेमन का जूस चाहिए, और एलोवेरा भी 2 टेबलस्पून चाहिए। उन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे और अपने हाथों पर अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना के अपने हाथों पर लगा लेना, ठीक है। हाथों पर लगाने के बाद आप लोगों ने इस तरह करके ऐसे ग्लव्स पहन लेना, दोनों हाथों में ग्लव्स पहन लेने आपने,
और उसके बाद आप लोगों ने इसको सिर्फ 15 मिनट छोड़ना है और उसके बाद आपने उतारना है। इससे आप 15 मिनट आप लोगों ने रखना है, उसके बाद आप लोगों ने उतारना है और अपने रिजल्ट्स देखने हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ, जो हैंड एंड फीट मास्क है इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 150 का मिल जाएगा पाकिस्तान से, आई थिंक सो। सो इसको अगर आप महीने में भी एक दफ़ा करेंगे तो आपके हाथ बहुत खूबसूरत रहेंगे। सो मैं इसको आपके सामने ट्राई करके दिखाती हूँ, बिकॉज मैं खुद बहुत बड़ी शॉर्टकट हूँ, मुझे शॉर्टकट चीज़ें बहुत पसंद है, क्योंकि शॉर्टकट हो तो बंदा कर ले, अब क्या बंदा रेमेडीज बनाए। अच्छा जी, तो ये कुछ इस तरह का है, लाइक सेम चीज़ है, ये भी देख लें आप और ये भी देख लें आप, दोनों सेम चीज़ है, लाइक ये भी प्लास्टिक का ही है, ये भी प्लास्टिक का ही है। तो इसमें उन्होंने जो मैं चीज़ें कह रही हूँ वो उन्होंने डाली हुई हैं, उस पर आपने खुद डाली है, लाइक अपने हाथ पे लगा के, सिर्फ ये फ़र्क है। ओके, सो इस पे या साइड पे ओपन लिखा हुआ है, इस साइड पे ओपन लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोगों ने इसको ओपन करना है और ये साथ जुड़े हुआ, ये साथ इस तरह जुड़े होते हैं, तो इसको सेंटर से हमने कट करना है, इसको सेंटर से कट करेंगे। कट करने के बाद सिंपली आपने इसको सिर्फ अपने हाथों में पहन लेना। सो मैं भी पहनूंगी, अंदर से बहुत स्टिकी है। इसके साथ ये इस तरह टेप होती है, आपने इसको ऐसे कर लेना। इससे आपको जो अगर किसी के नेल्स भी हैं, ये जस्ट लाइक घर में मैनीक्योर है, बाहर से मैनीक्योर पेडीक्योर करवाएं तो आपको लग पता जाएगा, बट अगर आप घर में करेंगे तो सही है। आप लोगों ने इससे अपने हाथों पे पैर लेने, कुछ नहीं करना, कोई मसाज नहीं करना, सिर्फ 15 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको छोड़ देना है। अभी मेरा टाइम हो रहा है 3:10, तो मैं इसको उतारूंगी 25 पे, लाइक 3:25 पे। मैंने इसके रिजल्ट्स के बारे में सुना था कि इट इज़ सो अमेजिंग, सो मैंने सोचा कि मैं इसको यूज़ ज़रूर करूँगी। ये देखें, ये आपके यहाँ से भी हाथ सॉफ्ट करेगा, यहाँ से भी सॉफ्ट करेगा, और अगर आपके नेल्स हैं तो वो भी इस पर भी शाइन आ जाएगी। तो आप 15 मिनट के लिए लगा के बैठ जाएँ। जैसे हम लोग घर में फेशियल करना शुरू हो गए, आजकल हर कोई घर में फेशियल कर रहा है, तो अगर हम घर में मैनीक्योर पेडीक्योर करना शुरू कर देंगे तो कमाल हो जाएगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आप लाइक पार्लर से फेशियल नहीं करवाना चाहते, तो मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि ये ले लें, और फेस शीट मास्क होता है वो ले लें, बबल मास्क मैंने आपको उसका रिव्यू दिया था, इट इज़ सो गुड, लाइक बहुत अच्छा है वो, लाइक आप महंगा वाला फेशियल करवा लें या बबल शीट मास्क ले लें, दोनों सेम है। तो जी, अब मैं 15 मिनट के बाद आपको मिलती हूँ रिजल्ट्स के साथ, और आपके सामने ही रिमूव करूँगी और आपके सामने ही आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। अच्छा जी, तो 15 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको इसका बता दूँ कि कोई चुभन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस हल्का सा उन्होंने केमिकल डाला हुआ है जो आपके हाथों को क्लीन कर देगा। तो अब आपके सामने रिजल्ट्स देखते हैं। अच्छा, मैं जो हूँ ना मैकडॉनल्ड्स में काम करती हूँ ना, वहाँ पे सॉसेज वगैरह होती हैं, लाइक बारबेक्यू रैंच, इस तरह की सॉसेस पड़ी होती हैं, तो मैं अक्सर उनको पकड़ के ना बॉक्स में डाल देती हूँ, तो जब मैं पकड़ती हूँ ना, वो इतनी शार्प होती है कि मेरे हाथ कट जाते हैं। इवन मेरे हाथ पे हल्के लिए थोड़ी बहुत 2-3 कट लगे होंगे, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी चुभ नहीं रहा। सो ये मैं इसलिए बता रही हूँ, जो किचन में काम करती हैं उनको छुरी वगैरह लग जाती है, तो उनको होगा हमारे हाथ पे ना चुभे, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। तब आपके सामने इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। Oh my God. Okay, so इस पर लिखा हुआ है कि हैंड वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसका मसाज करना है। एंड सीरियसली मैं आप इस और हाँ, इस पर यह भी लिखा हुआ कि अपनी आँखों से दूर रखना है, ये नहीं कि आप आँखें मलना शुरू कर दें, तो इसका मसाज करें। सीरियसली मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको भी क्लोज से दिखाती हूँ, हैंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा वाइट, आपको मेरी वेन से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना प्यारा वाइट कलर आया है इस पर।
ओके सो इसका मसाज करते हैं जैसे कि उन्होंने कहा अच्छे से मसाज करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको लगाने दें, जब ये ड्राई हो जाए तो आप हैंड वॉश करें, अगर टाइम नहीं है तो जाके आप हैंड वॉश कर सकते हैं। खैर मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो जी आप देख सकते हैं मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी से हो गए हैं। दूसरा हैंड भी दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। लगता है कि जो मेरी ऑडियंस है ना, जो मुझे फॉलो करती हैं, जो मुझे जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको हमेशा वो चीज़ें पसंद आती हैं जिसका फौरी रिजल्ट आए। तो मैं आप लोगों के साथ कोशिश यही करती हूँ कि मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करूँ जिसका फौरी रिजल्ट आए। सो या ये रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए तो आप ये हैंड वाला मास्क लें। अगर मास्क नहीं अवेलेबल, आपको नहीं कोई ला के दे रहा, मामा नहीं ला के दे रही, तो आप घर में कोई भी वो जो हेयर वाले ग्लव्स होते हैं, ये वाले भी हैं, कोई भी हैं आपके पास, वो ले लें। उसमें आपने एक पूरा लेमन डालना है, यानी कि क्वांटिटी बताऊँ तो 2 टेबलस्पून लेमन डालना है और 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। उसको अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना के उसको अपने हैंड्स पे लगा के तो उसको बाद ग्लव्स में पहन लेना है। अच्छा मैं ये करती हूँ कि जब ना बर्तन धोते हुए तो मैं ऑफकोर्स ग्लव्स पहनती हूँ, लेकिन मैं ये करती हूँ कि जब मैकडोनल्ड्स में उतरा तब भी मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ। अगर आपके हाथों में पसीना आता है ना तो आपके हाथ और मतलब जो मैल वगैरह चढ़ जाती है वो उतर जाती है, जो आपके हाथों में जो मैल होती है वो जमी होती है, वो पसीना आता है तो वो निकल जाती है। तो मैं ग्लव्स पहन के काम करती हूँ, जब उतारती हूँ तब भी मेरे हाथ बहुत अच्छे और सॉफ्ट हो रहे होते हैं। जैसे हम फेशियल करवाने जाते हैं तो वहाँ पे हम स्टीम लेते हैं फेस पे, इसी तरह अगर हम अपने हाथों पर भी स्टीम देंगे लाइक हम ग्लव्स पहनेंगे, ऑफकोर्स वो स्टीम सी हो जाएगी, पसीना सा बन जाएगा, तो आपके हाथ बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जी ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Give it to me like